हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हिमाचल दिवस सादे तरीके से मनाया गया। 73वें हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तिरंगा फहराया और सलामी ली। तिरंगा फहराने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। सिर्फ 5 मिनट में ही रस्म अदायगी कर कार्यक्रम खत्म किया। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल का मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। उसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को 18वें गणराज्य का दर्जा दिया गया। इस अवसर पर उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने बताया कि इस बार कोविड-19 के चलते हिमाचल दिवस को केवल सांकेतिक रूप में मनाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हुआ है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते रस्म अदायगी की गई है। उधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए राजभवन परिसर में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए तिरंगा फहराया। राजभवन के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। राज्यपाल ने लोगों के उत्तम स्वास्थ्य प्रगति की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि ये प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ध्वजारोहण के लिए यहाँ मंच पर पधारे हैं। माननीय मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार का अभिवादन अभिनंदन कर रहे हैं। अन्य अधिकारी आपको दिखा रहे हैं ऐतिहासिक रेल मैदान से Thank you.
किसी भी प्रकार से भीड़ पड़कने ना दें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, आगे के निरंतर हाथ धोते रहें और कोरोना संक्रमण से बचाव करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। देखिए सर्वप्रथम जो है आज मैं सारे प्रदेशवासियों को जो 73वां हमारा हिमाचल दिवस आज है उसकी बधाई आपके माध्यम से सबको देना चाहूँगा। जो आज रिज पे एक फंक्शन किया गया आपके सामने ही है, बेटा सांकेतिक रूप में इसको मनाया गया और जैसे पिछले सालों में होता था काफ़ी यहाँ पर जो है भीड़ होती थी और जो कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाते थे, परंतु इस बार जो है कोविड-19 के जो वायरस फैल रहा है उसकी रोकथाम के मद्देनज़र जो कर्फ्यू लगाया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है हमने जो है अनुरोध सबसे किया हुआ है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम हमने किया है।